अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कोरोना वायरस चि दोयम लहर ब्रोंह कुन यिन पते येत पूर दुनियास मंज तमाम शोबे सेठई मुतासिर सपद तो प्रेत कुनि मुल्कस मंज बड़न बड़न अवामी इज्तिमाहन पेट ठाक लागना आई तो सऊदी इंतजामिया तरफ खाने खाबस मंज महदूद लूकन नमाज अदा करनक इजाजत दिन ओस यिवान। तत चि सूरत हाल मामूलस पेट यिन पते आज अल पल अकि वरी पते खाने खाबस मंज मामूल मुताबिक नमाज जुमा अदा करना आमुत यथ मन सास वाद मुसलमानों शिरकत कर यलजन दुनिया के कूनस कूनस मज रोजन वालन लूकन ताम ये खबर वातन पत मुसलमानन मज अख नव खुशी वुशन चीवान। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत ये आज ते वादी मज तकरीबन हुन सांज करना आव यथ मज आशकान रसूलन हिंद बड़ तदादन शिरकत कर तत सपज सारवी खोत बड़ तकरीब दरगाह हजरत बलस मज ये वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे आमतो सासवाद अकीदतमंदो हाजिरी दिच अत मौक पे ये प्रेत नमाज पत खसूसी दुआ मंगना आई तच नमाज जुमा अदा करने पत मोय मुकदस निशानदी तरना आम ये दौरान आशकान रसूल आहजरी करान नजर ग आज जुतोस हवाले ये सऊदी हुकूमत तरफ गोड़े गाइडलाइन जारी करने आमच तत नई दिल्ली में वजारत अकलियत अमूर वहाज तरफ मुख्तार अब्बास नकवी सिंद सदारत में मीटिंग हुंद सांज करना आमुत या दौरान हजस हवाले कथन दल दिनाव। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज जरूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022 उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनजर रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस हो। जम्मू कश्मीर में यह पत्मे कई अकाल पे एनआईए तरफ मुख्तलिफ मामलन हवाले तहकीकत जारी तच आज एनआईए तरफ जम्मू कश्मीर में छाप त्रावन आमित या दौरान खसूसी टीमों तरफ अहम दस्तावेजात जब्त करने दाव करना आव इलजन ताज कार्रवाई दौरान कैजगुंड काकपुर पुलवामिस में फेरोज अहमद वन सिंदिस घरस पे छाप त्रावन आमुत या दौरान वन चुन फेरोज अहमद वन गोडे मिलिटेंसी हिंदिस मामलस में गिरफ्तार करना आमुत यम पत आज यह कार्रवाई अमल मज अन आई यपर एनआईए टीम तरफ श्रीनगर किस डाउन टाउन इलाकस मज शाहिद बशीर सिंदिस घरस पे छाप त्रावना आमुत या दौरान घरच तलाशी हेनस अलव अहल खानस प्रसगर करनिश खबर मौसूल सपज मज तौ चत शाहिद बशीर हाल ही फोर्सेस अहलकार गोलन हिंदिस तबोदलस मज फौत सपूदमुत। यह कत बन लायक जत्मो कैंसो दो पे लगातार वादी हिंदन मुख्तलिफ जायन पे एनआईए तरफ छाप त्रावन यान या दौरान न सिर्फ कई जायन पे गिरफ्तारी तमल मज अन आम बल्कि एनआईए तरफ वन यान जिमन कार्रवाईन दौरान कैं अहम दस्तावेजात तब्त कर। पुंछ किस बटा दूरा इलाकस मज ये पत्मो दयो हफ्तों पे फोर्सेस एहलकारों तरफ बड़िस पैमानस पे ऑपरेशन जारी तो विज
अत गोलन तबोदल सपुद तत फूजी जरवे पे वन आम आज सुबह अत दुबार गोलन तबोदल सपुदमुत यम ऑपरेशन मजीद सख्त करना आव तयास याद जे अख हफ्ते ब्रो उस अत फोर्सेस एहलकार तो मिलिटेंटन दरमियान गोलन तबोदल सपुदमुत यद दौरान केंसन अफसरन सान कैया फोर्सेस एहलकार फौत सपुद घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये पगही पे जम्मू कशीर हिंदिस दोन दोन हिंदिस दौरस पे वादी वातन तत अमित शाह सुन दौर नजर तल थवित जम्मू कशीर में सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आमुत ये जम्मू कशीर हिंदिस हिंदन हसास इलाकन में फोर्सेस एहलकार इजाफी नफरी तैनात करने आमुत यद दौरान जाय जाय फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक त लागन आमुत तत शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी हवाले संजीद कदम तुलना आमुत ये लाल चौक तो दौमें इलाकन में पत्मो कैंसो दो पे गाड़ वाले तो वत पकविन हिंस तलाशी हन पत तिमन ब्रो पकन इजाजत दिन यद दौरान गोडनिश लटि जनन हूं फोर्स तो शहर में तैनात कर आमुत तत शहर निगरानी कर बाप ड्रोन इस्तेमाल ते अमल में अन्न आमुत यद दौरान सीआरपीएफ क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आव शहर श्रीनगर हालात मद्देनजर थवित सिक्योरिटी यकीनी बनाने हवाले कई संजीद कदम तुलना आमुत युद्धन ने कहा नास त्रास वाक पेशी रिसेंट जो इंसिडेंट्स आपके सामने हुए हैं उसको बेसिस पर एक ड्रोन रेड श्रीनगर सिटी में बनाया है डीजी जैन के और आईजी सीआरपीएफ मिलके, तो उसी के सिलसिले में यह ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बेसिकली उसको उड़ाने के एक ही मकसद है, माइनॉरिटी इलाके को ज़्यादातर हमारे नज़र पहुंचे और उनको जितना सिक्योरिटी दे सकें वो देने का। सीआरपीएफ लाल चौक को सिक्योर कर रहा है अलॉन्ग विथ सिविल पुलिस, और यहाँ हमने नाका भी लगा रखे हैं और साथ साथ जैसे आप जानते हैं अभी फिजिकल फ्रिस्किंग और चेकिंग चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कुछ इंसिडेंट ना हो, इसीलिए पूरे हम लोग दिन रात लगे हैं। द्रुस मुल्कस मज ये रात हथ करोर वैक्सीन दिनस पे जशन मनाने आव तत वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज लूकन मुबारकबाद करान वोनमुत लूकन हिंदे अथवा सरकार अत कामयाब सपजमच यन तमो वोन जोदव कोरोना वायरस हवाले सरकार तरफ गोड़े संजीद कदम तुलन आमुत तत जरूरी एहतियाती वर्तन युद्धन प्रेत एक हिफाजत यकीनी बनाने यी 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था।
हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त बिना पैसा लिए। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव यह भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एक तकरीब दौरान भारत हमसाय मुल्कन हवाले कथ कर वोनमुत जमि सात दुनिया के कईहो मुल्को तरफ भारत साथ दिन निश इनकार कोर तमि सात रूसन भारत अथवास कोर्मुत यजन भारत बापत फखरच कत छ। मानवाधिकारों की मांग करने वाले आम और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करने वाला के मुल्क से वहां की जनता को मुक्ति दिलाना हमारे देश का राजधर्म भी था, राष्ट्रधर्म भी था और साथ ही हमारा यह सैन्य धर्म भी था। साथियों, हमारा राष्ट्र दुनिया की जिस प्राचीनतम शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी है उसमें न्याय और सुशासन को केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण लोक के लिए उसके प्रयास की बात कही गई है। हमारे यहां कहा भी गया है कि अराजके ही लोकेस्मिन सर्वतो विदिते भयात रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजनाम स्त्रित प्रभु, यानी लोक में बलवानों से निर्बलों की सुरक्षा और अराजकता व कुशासन से मुक्ति ही किसी भी राज्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और पूरी धरती को अपना परिवार मानने वाले हमारे राष्ट्र का मस्तक इस बात के लिए हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा कि जब जब भी जरूरत पड़ी है यह सत्य न्याय और मानवता के पक्ष में हमेशा खड़ा रहा है। 1971 के संग्राम का भी यही आधार रहा था और सैन्य नीति और राजनीति का यह समन्वय ही था, यह कोऑर्डिनेशन ही था जिसने इस उद्देश्य में हमारी सफलता को सुनिश्चित किया। यह दोनों का कांग्रुएंस ही था कि तत्कालीन लीडरशिप ने मिलिट्री लीडरशिप पर पूरा भरोसा करके उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की पूरी छूट दी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने अपनी परंपरा के अनुरूप देशवासियों का भरोसा पूरी तरह से कायम रखा। इस वार में कहने के लिए तो ईस्ट और वेस्ट दो मेन फ्रंट थे, पर वास्तव में अनेक ऐसे फ्रंट थे जिनका हमको ध्यान रखना था और जो पॉलिटिको मिलिट्री सिनर्जी के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। उदाहरण के लिए एक ओर हमें मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना था, दूसरी ओर ईस्ट पाकिस्तान से आए लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज को भी देखना था और तीसरी ओर पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल बाउंड्री अथवा सीज फायर लाइन, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, पर किसी भी तरह के आक्रामक रवैये को रोकना था। चौथा, नॉर्दर्न सेक्टर से चाइना के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकना था और इन सब के साथ साथ वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत की उस साख यानी क्रेडिबिलिटी को भी हमको बरकरार रखना था जिसके तहत भारत हमेशा शांति, न्याय और मानवता का पक्षधर रहा है। वैसे तो मार्च अप्रैल 1971 तक वार की परिस्थितियां बन चुकी थीं, पर इन सब के लिए हमें एक अच्छा खासा समय चाहिए था और सरकार ने
बड़ी सूझबूझ और पेशेंस के साथ हमारी सेनाओं को वह समय उपलब्ध कराया। आप सब इस बात से भी अवगत होंगे कि इस कैंपेन को कैसे पोस्ट मानसून पीरियड तक स्थगित किया गया ताकि ईस्ट पाकिस्तान की नदियों में बाढ़ की संभावना कम रहे और साथ ही चाइना से जुड़े नॉर्दर्न सेक्टर के पास बर्फ से पूरी तरह से ढक जाए। इस दौरान भारत सरकार का दुनिया के बड़े देशों से हाथ मिलाने का प्रयास और सोवियत संघ के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी बड़ा अहम कदम साबित हुआ। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने जब भारत का साथ देने से सीधा इनकार कर दिया, ऐसे में रूस का हमारा साथ देना हमारे मनोबल और डिप्लोमेसी की एक बड़ी उपलब्धि। कांग्रेस पोषण दिन बापत ये मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कया कदम तुलने आमित तत् आज दसु पुलवम महकमे ज़रात तरफ जश्न सैफरान सज कर आमुत यथ नवीन चौधरी तो इंतजामी क्यों दोमो अफसरों अलव कांग्रेस सबस्त लूको शिरकत कर अत मौक पे ये मुकामी काश्तकारों तरफ वन आव इंतजामिया तरफ तुलने आमतों कदमों सम फायदे वातन उम्मीद तत् एल जी मनोज सिन्हान वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए वोनमुत ज कांग्रेस सनस पोषर दिनस हवाल ये मरकजी सरकार तरफ कया कदम तुलना आई युद्धन अत सबस्त लूकन फायदे वाति तत् तमो वोनमुत ज इंटरनेशनल मार्केटस मज जम्मूर हूं कंग वातन सन हन मुकामी काश्तकार सठा फायदे वातन। इस डे का, इस यौम का, इस दिन का मकसद मनाने का ये है कि हर साल सैफरान डे मनाया जा रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि ज़मींदार जो हमारे यहाँ के काश्तकार लोग हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं, आज के ही दिन से ये अपने ज़ाफरान को हार्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इसी दिन का वक्त है कि यहाँ के लोग भरपूर एक लुत्फानंदोज़ होते हैं, एंजॉय करते हैं कि ये जो सैफरान है, ये जो ज़ाफरान है, आज के दिन से शुरुआत होती है। ये तकरीबन एक महीने तक लगातार चलते रहेगा और हर दो दिन तीन दिन के बाद ज़मींदार जो काश्तकार लोग हैं अपने अपने खेतों में जाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, फ्लावर पिकिंग करते हैं। इस हवाले से ये शुरुआत होती है, शुरुआत के दिन सारे ज़मींदार यहाँ पर जमा होते हैं और खुश होते हैं, खुशहाल रहते हैं ताकि इस हवाले से कि इस साल जो क्राप होगा बहुत अच्छा क्राप होगा, क्राप भी अच्छा आएगा, जितना क्राप अच्छा आएगा इतना ही जमींदार खुशहाल रहेगा, इतनी ही जमींदार की आमदनी बढ़ जाएगी। बड़ा प्रयास है, पिछले साल कृषि विभाग के अथक प्रयत्न से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग सैफरन को मिला और इसके इंटरनेशनल मार्केट में एक पावरफुल ब्रांड बनने का रास्ता तैयार हुआ। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का सैफरन अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही बेहतर है, लेकिन जीआई टैग के अभाव के कारण दूसरे देशों में जो सैफरन का उत्पादन होता था, जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, वो विश्व बाजार पर हावी रहते थे। मित्रों, जीआई टैग मिलने के पश्चात जब इसे पिछले साल दुबई में लॉन्च किया गया तो बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आए। अब न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर बनाए गए पेम्पोर ट्रेडिंग सेंटर से किसान भाइयों को देश के अन्य हिस्सों में भी इसे बेचने में आसानी होगी। इसके अलावा इस साल अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने एक और तोहफा दिया, नेफेड जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर के हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर काम कर रहा है, वो देश भर में जम्मू कश्मीर के सैफरन को बेचेगा। पुलवामा, बटगांव या अन्य स्थानों के किसान भाइयों को इससे भारी राहत मिलेगी और मुझे लगता है कि अब दुगुनी के बजाय आमदनी तिगुनी की दिशा में बढ़ेगी। मैं आज जस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की माताओं और बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में अगर सैफरन की खेती बुलंदियों को छू रही है तो उसके पीछे हमारी माताओं बहनों का भी कठिन परिश्रम, त्याग और बड़ी सहजता से खेती और घर की गृहस्थी के बीच संतुलन बनाने की क्षमता का भी महत्व है। सैफरन की खेती की कल्पना भी हमारी माताओं बहनों के बगैर नहीं हो सकती है और इसलिए मित्रों हमें ये बात याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और विकास के लिए
नारी शक्ति की महत्ता को समझना और उसे उचित स्थान देना भी उतना ही आवश्यक है। हमारी यूटी की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महिलाओं का जो महत्व है उसे और सक्षम बनाने की जरूरत है, ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके और वे समाज निर्माण में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। कुछ महीने पहले कृषि विभाग की मीटिंग में मुझे याद है कि सैफरन की खेती में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात तरफ ये गोड़े ये रेतन त्रवुम तारीख पे वादी हंदिस मौसम मज तब्दीली इन पेशन गोई करम महकम क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आमुत आज शाम पे मौसम मज तब्दीली इन इम्कान या दौरान वादी हंद मैदानी इलाकन मज रूद तो बालई इलाकन मज शीन पेन उमेद ये जिम्मेदारों तरफ वन आव चौवहम शाम तम हे मौसम दोबारा बेहतर सपद। जिस तरह से हमारी पेशन गोई है पहले से 22nd इवनिंग से जो है मौसम खराब हो जाएगा और आबर आलूत हो जाएगा आज लेट आफ्टरनून से ही, और हायर रिचेस में जो है लाइट रेन के चांसेस हैं, और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा 23rd को जो है सिस्टम का मेन एक्टिविटी है, फिर 24th आफ्टरनून तक जो है रहेगा मौसम ऐसे ही। तो कुल मिला के जैसे हमने एडवाइजरी इशू की थी इसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया था कि लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं प्लेन्स में भी, मिडल रिचेस में मॉडरेट स्नोफॉल के, और हायर रिचेस में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है, और कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस है। बाकी जम्मू रीजन में भी दरमियाना दर्जे की बारिशें बिल्कुल रहेंगे खासकर 23rd को, और जम्मू के जो हायर रिचेस हैं वहाँ पर भी स्नोफॉल के इम्कान हैं। जिस तरह से हमने 20 तारीख को ही एडवाइजरी इशू किया था जिसमें लिखा गया था कि आप अपने फल फ्रूट वगैरह है उनको जितना जल्दी हो सके उतारे, क्योंकि और टेम्परेचर जब डिप होगा तो लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं यहाँ पे भी। बाकी लोगों को हमारी तरफ से यह पैनिक ना हो जाए बिल्कुल, और खासकर जो ट्रैवल करते हैं जम्मू श्रीनगर या श्रीनगर जम्मू, इसी तरह श्रीनगर लेह या कारगिल जो ट्रैवल करते हैं वो वेदर एडवाइजरी को जो है बिल्कुल पालन करें, क्योंकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और फिर मौसम जो खुल जाएगा 24th आफ्टरनून के बाद और लगभग एंडिंग अक्टूबर तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहे। तो नाजरीन वोत कौशर खबरनामा तु रूज वो गुलिस्तान न्यूज, गुलिस्तान न्यूज पे वन खसूसी प्रोग्राम नशर सपदन वो 5 का 5। मे दू इजाजत, खुदा सवाल।